अचानक बांसबड़िया बाजार का जायजा लेने पहुंची एसडीओ दुकानदारों से सब्जियां महंगी कीमत पर नहीं फरोख्त करने की हिदायत। रियासत में आसमान छूती सब्जी की कीमत को लेकर रियासी रोजीराला ममता बनर्जी ने बाजार की कीमत काबू में रखने की हिदायत की थी, साथ ही जिला इंतजामिया को भी इस पर तौजा और जायजा के साथ निगरानी करने की हिदायत की थी। इसी हिदायत पर अमल करते हुए आज चिंसरा सदर की एसडीओ समीता सान्याल शुक्ला, डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्रो, मोगरा थाना के अफसर स्वरूप मंडल, बांसवाड़िया मिल फाड़ी के एसआई दिलीप सिंह, बांसवाड़िया मुसवड़ी के ईओ, एग्री मार्केटिंग के शोभा के अफसर जुड़ मिल बाजार पहुंचे। यहां बराह रास्त दुकानदारों से सब्जियों की कीमत पूछे, हाथ में एक दूसरे के दुकानदार की सब्जियां प्याज आलू अदरक लेकर उनकी फरोख्त कीमत का फर्क जाना। कुछ दुकानदारों से ये भी पूछा कि सब्जियां कहां से लाते हैं और कितने के लाते हैं और कितने में फरोख्त करते हैं। वहीं एसडीओ ने कुछ दुकानदारों से ये भी कहा कि महंगी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, हमारी टीम लगातार इस मार्केट का जायजा करते रहेगी। आलू बाबाई जिनिसटा যেটা হাতের ঘোরানো ভেন আছে ওটা চল্লিশ টাকা, এমনি যে এইভাবে সোজা আছে ওটা কুড়ি টাকা করে। मेंटेनेंस के लिए भी तो एक उनका वो हाईवे डिवीजन है, जो है डिवीजन है, तो वो तो वो वाला खाड़ के है वो वाला, तो वो हम लोग क्या करें उसके लिए? आप सब्जी का रेट बना बढ़ाओगे, ये कोई जस्टिफिकेशन मैम? सब्जी जो है इससे कोई बात नहीं है, बात है कि देखिए 10 जगह आड़त है, अब कहीं माल आमदनी कम होने से वहाँ दाम बेसी मिलता है, ठीक है? जैसे कि हम लोग कोई दूर से लिया रहा है, कोई 20 बोरा किन के लिया रहा है तो कम में लिया रहा है, कोई थोड़ा पूंजी वाला है तो दाम बेसी में किन के लिया रहा है। जैसे एक पल्ला लेने से कुछ और दाम होगा, एक बोरा लेने से कुछ और दाम होगा, ठीक है? इस हिसाब से अब किसी का प्याज है, किसी का बढ़िया निकल गया, किसी का खराब निकल गया, इसमें ये चीज है। तो फिर भी हम लोग रेट चेक किए हैं, अभी आज तो काफी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, एक दो दुकान में थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी वो सब उनको बोल देना पड़ेगा। बाजार में है एक ही मार्केट में रेट
एक ही होना चाहिए। हाँ, जरूर, मतलब ये नहीं होना चाहिए। ये भी बात है, यहाँ पर होता है, अपना मुनाफा देखने के चक्कर में ये चीज नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा वो कर ले। तो ऑप्शन तो हमेशा लोगों के पास रह जाएगी, इनके पास कोई जाएगा नहीं, वो अलग बात है। बट फिर भी अगल बगल में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से देखिए, रेट होता है ना। अगर यहाँ चिल्ला কুড়ি টাকার যে জিনিসটা আছে সেটা চল্লিশ টাকায় বিক্রি করা যাবে না, একদম না। যেটা কুড়ি টাকার পেঁয়াজ আছে সেটা চল্লিশ টাকা, উদাহরণ হিসেবে যেটা পঞ্চাশ টাকা দাম আছে সেটা সত্তর টাকা করা যাবে না। তুমি সত্তর করলো, পঁচাত্তর করলো, ছিয়াত্তর করলো, এইসব ব্যাপার নাই, এরকম হয় না। এভাবে যদি বেশি দামে তিরিশ টাকা বিক্রি হতে লাগে, आज के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम लोग आए हैं इसीलिए कम हो गया, कल परसों फिर से वो कस्टमर जो आएंगे तो ऐसा ठीक है। गलत दाम नजर आएगा तो कंप्लेन करेगा, तो भी पब्लिक कंप्लेन करेगा, उस पर आप लोग कार्रवाई कीजिएगा। हम लोग भी चेक करेंगे भाई, जी 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 देखेंगे। आज मैडम आए, कल आप कभी आइएगा, अगर पब्लिक को यदि असुविधा हो जाएगा तो पब्लिक कंप्लेन करेगा। तो चलिए आप लोग, नहीं आज बता के जा रहा हूँ। जी जी आज तो ठीक है। মানুষ ম্যাক্সিমাম আলু খেয়েই মানে যারা সবাই তো সত্যি বুঝলো, কিন্তু যদি কিনা না থাকে তাহলে কি করে দেখো কমে গেছে। তুমি আজ কোথায় কোথায় কিনেছো? ঠিক আছে, তুমি নেক্সট যেদিন কিনবে সেদিনকে কিন্তু দাম কমিয়ে দেবে, দাম কিন্তু সাতাশশো ঠিক করে যেরকম। তাই বলছি আমি তোমাকে কি বলছি, ওই জন্য তো সাতাশশো নিতে কি বলছে, তুমি তো ওই দপ্তরের লোক, তুমি তো বলছি যে ওটা দাম পড়ে গেছে সাতাশশো টাকা বেশি। ইয়ে করেগা তো স্লিপ লে লিজিয়েগা, চালান লে লিজিয়েগা, হম লোক চেক করেঙ্গে। ধন্যবাদ কৈশব বাবু। এই দাম কতই বেড়েছে, ওই বেগুনগুলোরই পঞ্চাশ টাকা দাম, মানে যেগুলো হচ্ছে ইয়ে বেগুন, একদম পুরো ভালো বেগুন, সবুজ বেগুনের দাম কম হবে, চল্লিশ টাকা করে হবে কেন? এটা চল্লিশ টাকা করে দেন, তার উপর বিক্রি করবেন, দেয় না কেউ। এখন এই সবুজই চলছে। আচ্ছা, অন্য বাজার থেকে এই বাজার কেমন সস্তা ছিল না বেশি? অন্য অন্য বাজার দেখেছেন? না না, অন্য বাজার দেখেছেন, সেই হিসাবে এই বাজারটা কেমন ছিল স্যার আপনি একটু বলে দিন। ম্যাডাম না একটু না বললে তো।